सो व्हाट इज अप गाइस, योर बॉय एआरएम एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो गाइस आज मैं उठा था सुबह 8 बजे और अभी एग्जाम है 12:30 बजे और अभी आज मैंने पापा के बाल काटे हैं, तो वो अभी काट के मैं नहा के आया था और अभी थोड़ी सी पढ़ाई वढ़ाई कर लेते हैं और फिर एग्जाम दे देंगे भाई। पापा के बाल मैं काफी टाइम बाद काट रहा हूँ और वो काटने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आया और एक नया एक्सपीरियंस था। वैसे तो मैं काट चुका हूँ पहले भी, लेकिन अभी मैंने काफी टाइम बाद काटे, करीबन 3-4 महीने बाद, तो एक काफी नया सा एक्सपीरियंस था। और लॉकडाउन है इस वजह से हम बाहर जा भी नहीं पा रहे, तो मैं पापा को भी मना करता हूँ कि आप कम से कम बाहर जाओ और आप अपनी फैमिली मेंबर्स को भी मना करो, क्योंकि अभी कोरोना बहुत ज्यादा फैल रहा है। आपको तो पता ही होगा न्यूज़ में कितनी नेगेटिव न्यूज फैल रही है भाई, और मतलब लोग पॉजिटिव नहीं है इस टाइम पे। तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग पॉजिटिव रहो, अपने घर के अंदर रहो, फैमिली मेंबर्स से बात करो, नई नई चीजें ट्राई करो। जैसे मैं अपने घर पे कुकिंग की वीडियोस तुम्हें दिखा रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ वो मतलब शेयर कर रहा हूँ तुम लोगों के साथ में, तुम वैसा कुछ कर सकते हो अपने घर पे। अभी बज रहे हैं दिन के 12 और मेरा 12:30 पे एग्जाम है, तो वो लास्ट एग्जाम है, आज मेरा मिड टर्म है। तो वो खत्म होने के बाद मैं आई थिंक मैं लाइव स्ट्रीम भी करना चालू करूंगा, 1-2 लाइव स्ट्रीम मैं करूंगा, जो मेरा नया वाला चैनल है उस पर आएंगे वो लाइव स्ट्रीम्स। और अभी का तो व्लॉग का मैं कुछ आइडिया नहीं है कि कितना बन पाएगा कितना नहीं बन पाएगा, लेकिन मैं पूरी अपनी कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हें डेली एक व्लॉग लेके आऊँ, और थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग करने के लिए मैं कुछ ना कुछ चीज़ें ट्राई करता रहता हूँ, नए नए टास्क देखते हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं ट्यूटोरियल्स बनाऊँ, कुछ अपनी नॉलेज तुम लोगों के साथ शेयर करूँ, तो थोड़े से इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स बनेंगे मेरे, और इसमें मैं कुछ तुम्हें नया नया समझाता रहूँगा। तो अगर तुम्हें ऐसे व्लॉग्स पसंद है तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा देना, और कमेंट तुम्हारे अच्छे लगते हैं तो कमेंट करते रहा करो वीडियोस के ऊपर। तो बस अब मैं तुमसे मिलता हूँ थोड़ी देर बाद में। तो गाइस काफ़ी दिन से मैं ये चीज़ देख रहा था कि मेरे जो वीडियोस हैं वो सर्च रिजल्ट में नहीं आ रहे, और मेरा नाम अगर आप सर्च रिजल्ट में टाइप करोगे तो मेरे वीडियोस नहीं आएंगे आत्मिक नाम से, और आत्मिक ब्लॉग से भी मतलब बहुत कम आते हैं, बहुत नीचे जाना पड़ता है। मैं सोचा कि यार प्रॉब्लम क्या है इसमें, तो मैंने काफ़ी रिसर्च करी, 3-4 दिन से मैं कर रहा हूँ लगातार रिसर्च, और मुझे ये फाइंड आउट हुआ है कि मैं जो अपने टाइटल्स के अंदर अपना नाम थोड़ा कम डालता था, यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसे काम करता है कि आपको उसके अंदर अपना जो नाम है चैनल का वो बिल्कुल हर जगह पे देना होगा, आपको टैग्स में देना होगा, डिस्क्रिप्शन में देना होगा, और टाइटल में हो सके तो टाइटल में देना होगा। हाँ तो गाइस मैं करने ये वाला हूँ कि अभी मैं अपने सारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन चेंज कर रहा हूँ और टाइटल थोड़े से बदल रहा हूँ, ऑप्टिमाइजेशन कर रहा हूँ अपने चैनल की। तो बस ये मुझे अपडेट करनी थी तुम्हें अभी कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, तो अभी इनको अपडेट करता हूँ और अपने सारे वीडियोस को अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करता हूँ यूट्यूब के लिए, ताकि मेरे यूट्यूब वीडियोस फाइंड आउट हो सकें। और ये मैं कैसे कर रहा हूँ अगर तुम्हें ये जानना है तो मैं इसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊँगा, डेफिनेटली बनाऊँगा एक दिन। अभी फ़िलहाल डेली व्लॉग चल रहे हैं, तो जैसे ही 30 डेज़ का चैलेंज मेरा कंप्लीट होगा उसके बाद मैं ट्यूटोरियल वीडियोज़ लाने की सोच रहा हूँ, तो उसके लिए वेट करना मेरे चैनल पर और उस बेल आइकन को दबा दो। ऑल राइट गाइज, तो मैं अभी काम पे लग जाता हूँ और फिर तुमसे मिलता हूँ बाद में। तो गाइज यार काफ़ी टाइम हो चुका है मेरे को कंप्यूटर चलाते हुए, और अभी मैंने थोड़ा ब्रेक लिया है, और काफ़ी सारे वीडियोस के अंदर मैंने टाइटल और डिस्क्रिप्शन चेंज करें और अपने यूट्यूब चैनल को ऑप्टिमाइज भी मैंने कर लिए है अभी, लेकिन अभी भी काफ़ी सारा ऐसा काम है जो बाकी है। लेकिन प्रॉब्लम की बात अभी ये है कि भाई मेरे कूलर के अंदर अभी पानी खत्म हो चुका है और बहुत ज़्यादा पानी पीता है भाई, ये बड़ा कूलर तो है, काफ़ी अच्छी ठंडक करता है। क्रॉम्पटन का कूलर मैंने लिया था अमेजोन से, तो अभी इसको 1 साल हो चुका है, और जैसे कि मैं तुम्हें बताया ये पानी बहुत ज्यादा पीता है भाई, मतलब इसके ना दिन भर की मतलब ऐसी इसमें बड़ी वाली बाल्टी करीबन 4 से 5 डालनी पड़ती है भाई, तब जाके इसका काम चलता है, और मैं इसका पानी बंद करके ऑन करके चलाता रहता हूँ। तो फिलहाल गाइस मैं इसमें पानी भर लेता हूँ, जैसे कि तुम्हें दिख रही होगी वहाँ पे बाल्टी पड़ी है, तो इसमें पानी भर लेते हैं और फिर मैं अपने लिए रसना बना के लेके आता हूँ बाहर, तो चलते हैं देख के आते हैं। तो इस कूलर में तो मैंने पानी भर लिया जैसे कि तुमने अभी देखा, और अभी गर्म हवा नहीं फेंकेगा, पहले बहुत ज्यादा गर्म हवा फेंक रहा था भाई यहाँ पे और मेरे से काम भी नहीं हो रहा था, तो मैंने इसको बंद कर दिया और इसमें पानी भरा है अभी। तो अभी चलते हैं बाहर क्योंकि अभी हो रही है बहुत ज्यादा तेज गर्मी, जैसे कि तुम देख सकते हो अभी बज रहे हैं 2:00 PM और बहुत ज्यादा तेज गर्मी हो रही है यहाँ पे अजमेर में। तो मैं सोच रहा हूँ भाई रसना बना लेता थोड़ा सा, तो गाइस यहाँ पे मेरा रसना भी बनके रेडी हो गया है और अब मैं वापस से लग जाता हूँ भाई अपने काम के ऊपर। और आज मेन तो यही कर रहा हूँ भाई, मैं अपने चैनल को ऑप्टिमाइज जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, वापस से लग जाता है भाई काम पे, और वीडियो भी अपना रिकॉर्ड हो रहा है तो ये व्लॉग कल आ जाएगा तुम्हारे पास में, और अगर कुछ भी इंटरेस्टिंग हुआ तो मैं इस व्लॉग के ना तुम्हें रिकॉर्ड करके दिखा दूंगा। और आज मैं सोच रहा हूँ तुम्हें फोर आर्म्स की एक्सरसाइज बताऊँ इस वीडियो के अंदर, और काफ्स की एक्सरसाइज जो अपने पैरों के नीचे मसल्स होती है पीछे वाली
उसकी एक्सरसाइज बताऊंगा मैं तुम्हें, और फोर आर्म्स के जो अपने हाथ की होती मसल्स ये वाली, इनकी एक्सरसाइज में तुम्हें करके बताऊंगा जिनको कैसे ग्रो करना है तुम्हें। तो गाइज मम्मी यहाँ पे अभी काम कर रही थी, और यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा मेरे बेड पे काफी सारा सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है, और अलमारी में यहाँ पे खुली पड़ी तो इसमें से सामान निकला था काफी सारा। तो गाइज ये जो तुम्हें टॉवल दिख रही है ये मैं एज अ ग्रीन स्क्रीन यूज करूंगा, तो मुझे ये मिली अभी वहां पे अंदर से, तो मम्मी ने दी थी अली टॉवल, तो अब इसी जुगाड़ करना पड़ेगा भाई, इसी को मैं ग्रीन स्क्रीन की तरह यूज करूंगा। बाहर से तो अभी अपन ले नहीं सकते क्योंकि कोविड चल रहा है, तो मैं कुछ मंगाना चाहता नहीं ऑनलाइन, तो अभी इसी का यूज करते हैं। तो आगे वाले वीडियोस में तुम्हें पता चल जाएगा अगर मैं इसका यूज करूंगा लाइव स्ट्रीम के अंदर, गेमिंग के अंदर, या फिर किसी और चीज के अंदर, क्योंकि ये काम आ सकती है भाई अपने बहुत ज्यादा। हाँ तो गाइस ये वीडियो का वो पार्ट है जिसमें मैं आपको थोड़ी वर्कआउट की टिप्स देता हूँ, और मैं जो भी वर्कआउट करता हूँ, जो भी मसल ग्रुप का वर्कआउट करता हूँ उसके बारे में थोड़ी बहुत टिप्स देता हूँ, एक्सरसाइज बताता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज फोरआर्म्स के एक्सरसाइज से। तो ये जो मसल्स है, ये जो आपको मसल दिख रही है यहाँ पे, इसे कहते हैं फोरआर्म, और यहाँ पे नीचे पे भी होती है हाथ की, जो मेनली जो इस एरिया से नीचे की मसल्स होती हैं उनको हम फोरआर्म्स की मसल्स कहते हैं। और मैं इनके भी एक्सरसाइज करूंगा और तुम्हें बताऊंगा कि कौन कौन सी एक्सरसाइज से आप इन मसल्स को ग्रो कर सकते हो घर पे बैठ के। तो गाइस इनको ग्रो करने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि मसल्स कौन कौन सी होती हैं, और उससे भी पहले आपको एक डंबल होनी चाहिए, फिर कोई वेट होना चाहिए आपके पास में जिससे आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हो। तो गाइस हमारी जो फोरआर्म होती है वो तीन मेनली मसल ग्रुप से मिलकर बनती है, तो वो कौन कौन सी होती है मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो जब मैं यूं कर रहा हूँ तो यहाँ वाली मसल टारगेट होगी, एंड मैं जब कलाई को यूं घुमाऊंगा तो ये वाली मसल टारगेट होगी, ठीक है। तो गाइस दूसरी जो होती है वो यहाँ पे होती है अपनी रिस्ट पे, और जब मैं कलाई को ऐसे घुमाता हूँ तो वो वाली मसल टारगेट होती है। ऑल राइट गाइस, तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी मसल से बन के हमारी फोरआर्म बनती है। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज से। तो पहली एक्सरसाइज जो है वो कुछ ऐसे परफॉर्म होती है, आपको डंबल को यूं पकड़ के इसको यूं ट्विस्ट करना है, बस सिंपल है, बस इतना सा करना है आपको। जब आप ट्विस्ट करो तो आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करना है, मसल को ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करके रखना है, एंड देन धीरे से रिलीज करना है। तो गाइस अब बढ़ते हैं हमारी सेकंड एक्सरसाइज पे। तो गाइस सेकंड एक्सरसाइज में आपको हाथ को ऐसे रखना है उसके अपोजिट जो अपन पहले एक्सरसाइज कर रहे थे, एंड इसमें भी सिंपल ही आपको ट्विस्ट करना है, एंड ये मूवमेंट धीरे होगा, इसको तेजी से यूं नहीं करना, जर्क नहीं करना आपको हाथ को, आपको धीरे धीरे ऊपर आना है, रोकना है, एंड देन धीरे धीरे नीचे जाना है। कॉन्ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इस मसल का। तो गाइस जैसे कि तुम देख सकते हो जब मैं इसको पुल करता हूँ तो हमारी ये वाली जो है मसल, ये वाली ये टारगेट होती है, बाइसेप टारगेट नहीं होती थी। अगर मैं बाइसेप कल करूंगा तो बाइसेप टारगेट होगी, लेकिन जब मैं इसको यूं कर दूंगा तो ये वाली मसल टारगेट होती है। तो गाइस ये थी मेरी सिंपल तीन एक्सरसाइज जो मैं फोरआर्म्स के लिए परफॉर्म करता हूँ डेली बेसिस पे। तो गाइस अब मैं आपको एक लास्ट एक्सरसाइज बताऊंगा जो कि होगी आपकी काफ मसल्स के लिए, जो अपने पैरों के नीचे होती है, मैं आपको बताता हूँ कैसे परफॉर्म करते हैं। दो डंबल लेके आपको अपनी हील पे यूं खड़ा होना है, तो गाइस ये जो एक्सरसाइज थी वो काफ मसल्स के लिए थी पैरों की, और आप इससे उनको ग्रो कर सकते हो घर पे बैठ के, और ये तो आप किसी भी चीज से कर सकते हो परफॉर्म, बैक के ना वेट डाल के अपनी पीठ के ऊपर पहन के भी, या फिर आप अगर स्टेज पे चढ़ोगे या फिर कोई रनिंग करोगे तो भी ये मसल ट्रेन होती है। तो गाइस आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही, तो मैं मिलता हूँ आपसे कल एक बिल्कुल ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, इट्स योर बॉय ARM साइनिंग ऑफ।